यार इस कदर दिमाग घूमा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एशिया कप आपको पता है शुरू होने वाला है, बड़े एशिया कप से पहले एक छोटा एशिया कप भी है श्रीलंका में ही, अमर्जिंग एशिया कप, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 13 जुलाई से ये श्रीलंका में ही होगा एशिया कप। इसके लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया और कप्तान अनाउंस किया है मोहम्मद हारिस को। यार आई लव मोहम्मद हारिस, T20 में बड़ा पोटेंशियल है मोहम्मद हारिस का, लेकिन आप लोग, हमने बात करनी है और आपने आपने समझना है इस बात को कि जो पेन इस टाइम मैं अंदर फील कर रहा हूं ना, जो हम रोना रोते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में कि हमारी ऊपर वाली क्रिकेट को छोड़ें, नीचे से सिस्टम कितना खोखला है, नीचे से कोई कोशिश ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को स्टार्स दिए जाएं। मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान का कप्तान अनाउंस कर दिया गया है बगैर किसी एक्सपीरियंस के, और इस स्क्वाड में रुहेल नजीर को रखा ही नहीं गया। वो श्रीलंका ट्रेवल नहीं करेंगे। रुहेल नजीर वो लड़का है जिसने अंडर 19 में पाकिस्तान की कप्तानी की, पूरी दुनिया इसके गुण गा रही थी। पाकिस्तान इसको एज ए कैप्टन अंडर 19 लेवल पे, छोटे लेवल पे रिटेन करता रहा। वो एशिया कप में ट्रेवल नहीं करेंगे। इस स्क्वाड में कासिम अकरम शामिल है जो 2022 में अंडर 19 के कैप्टन थे, और इन्होंने वहां पे मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए थे, और नाम आ रहा था कासिम अकरम का कि ये आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को लीड करेंगे। और मैं आपको 100% कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं कि कासिम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट में PSL में कप्तानी के रोल में इनका नाम चल रहा था। ये बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी यंग प्लेयर के लिए, लेकिन वो तो खैर बाद में खेले ही नहीं, वो अलग स्टोरी है। पाकिस्तान ने कभी कोशिश ही नहीं की नीचे से कप्तान रेडी करने की। मेरा गिला मिसबाह उल हक से सारी जिंदगी ये रहेगा कि वो इतने लंबे टेन्योर के लिए पाकिस्तान की कप्तानी करके गए, लेकिन वो अपने बाद पाकिस्तान को एक कप्तान नहीं दे के गए। अजहर अली आप सब जानते हैं क्या कप्तानी उनकी थी। पाकिस्तान ने कभी कप्तान बनाने की कोशिश ही नहीं की। हम मतलब टीवी पे क्या सुनते हैं, हमारे कैप्टन सीख रहे हैं, सीखने का अमल जारी है। आपने इंटरनेशनल टीम में उनको सिखाना है। बाबर आजम, आज बाबर आजम के बारे में क्या कहा जाता है, रमीज राजा क्या कहते थे कि वो सीखेंगे, वो इंटरनेशनल अमल है इंटरनेशनल लेवल पे। जब अंडर 19 में आपके पास रुहेल नजीर जैसा बंदा मौजूद है, आपने उसको कप्तानी नहीं देनी इमर्जिंग छोटे एशिया कप में ना दे, और कम से कम उसको ट्रेवल तो कराओ ना यार। आपका अंडर 19 का प्रोडक्ट है, कब बनाएंगे आप इनको? कासिम अकरम को अगर आपने कप्तान नहीं बनाना तो कम से कम यार उनसे बात करो। ये यंग लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान से सारी जिंदगी आगे खेलना है, इनको कम्युनिकेशन दो। मुझे पता है इस टाइम रुहेल का जो हाल होगा, एक आपने तो खैर रुहेल को बिल्कुल ही खुडे लाइन लगा दिया ना, जो इस वक्त उसका हाल होगा बच्चे का कि यार मैं अंडर 19 का प्रॉपर प्रोडक्ट हूं। कासिम अकरम इस टाइम जो सोच रहा होगा कि यार मैं किसी जमाने में पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान था, इन लड़कों के मोराल का क्या बनेगा जब आप हारिस जैसे बंदे को कप्तान बना देंगे। अगेन शायद हारिस ये वीडियो देख रहा हो, वी हैव नथिंग अगेंस्ट यू हारिस, आप T20 के बेहतरीन प्लेयर हो, लेकिन आपको भी पता है आपका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कप्तानी का। आपने थोड़ी सी कप्तानी की होगी, लेकिन कहां पे की होगी? अपने किसी रीजन लेवल पे की होगी, अपने किसी क्लब लेवल में की होगी। आप ये देखो हारिस के आपका मुकाबला किसके साथ था, पाकिस्तान के अंडर 19 कैप्टन रुहेल नजीर के साथ, जिनको पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद रिटेन करता रहा है एज ए कैप्टन। तो आप खुद बताओ ज्यादती नहीं है। आपका मुकाबला कासिम अकरम के साथ था जो 2022 में पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भंग भी हुई है आप लोगों ने, कम से कम यार उन लोगों को कप्तान बनाए जो कम से कम नीचे से कप्तानी करके आ रहे हैं। क्या मिल जाएगा हारिस को इस इमर्जिंग एशिया कप में कप्तानी दे के या कप्तान बना के? कम से कम जिन लड़कों ने पीछे कप्तानी की हुई है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड इवेंट्स में, और यार उनका हक बनता है, उनको आप कप्तानी कराओ और उनको रेडी करो आगे अपनी कप्तानी के लिए। बाबर आजम के बाद आप किसको कैप्टन बनाएंगे? कम से कम बाबर के साथ कोई छोटा लड़का लगाएं जिसको पता हो यार कि मेरा माइंडसेट है। MS धोनी ने 2011 में आइडेंटिफाई कर लिया था कि विराट कोहली ही कप्तानी करेगा, और विराट कोहली अंडर 19 में इंडिया का कैप्टन था। आप सिस्टम देखें, केन विलियमसन, जो रूट, एग्जाम्पल हंसी देनी है पूरी दुनिया दिया कि दुनिया कहां पे चली गई है।
अपना सिस्टम देखें कितना खोखला है। अंडर 19 में दुनिया आइडेंटिफाई कर लेती है और उनको कैरी करती है, और हमारा हाल देख लें, जब अंडर 19 से लड़के बेहतरीन परफॉर्म करके, कप्तानी करके, रिकॉर्ड बना के ऊपर आते हैं, तो हम एक ऐसे बच्चे को कप्तान बना देते हैं, उस बच्चे के साथ भी ज्यादती करते हैं जिसका कप्तानी से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो शायद ये बात आप बड़ी लाइट ले रहे हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना बहुत ज्यादा इस मामले में कटघरे में खड़े होके आंसरेबल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप इतना बड़ा, इसको मैं गुनाह कहूंगा, इसको मैं ब्लंडर नहीं कहूंगा, कि आपके स्क्वाड में रुहेल नजीर ट्रेवल क्यों नहीं कर रहे। अंडर 19 का मंजा हुआ एक विकेट कीपर बैटर, प्रॉपर विकेट कीपर बैटर, मैं तो कहता था उसको कप्तान होना चाहिए ऐसे इवेंट्स में। पिछले इन्होंने वो जिम्बाब्वे के टूर में इमरान भट्ट को कप्तान बना दिया फ्रॉम नोवेयर, जो पाकिस्तान खेल के मतलब अपना शायद करियर खत्म भी कर चुके हैं। और पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान शहीन, पाकिस्तान ये ए, इनमें कभी ऐसे बंदे को कप्तान बनाया ही नहीं है जो आगे जाके कप्तानी करे। मैं किसी प्लेयर का यहां पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे प्लेयर अल्लाह माफी दे हमने पाकिस्तान शहीन और पाकिस्तान ए के कप्तान बनाए हैं पिछले 4-5 साल में, जिन पे मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि ये कभी भी पाकिस्तान की कप्तानी नहीं करेंगे। तो आप ऐसे बंदे को क्यों कप्तान बनाते हैं जिसने कभी पाकिस्तान की कप्तानी नहीं करनी। आप ऊपर वाले लेवल पे जितने मर्जी रोने रो लें, जब आपने नीचे से अपना सिस्टम ही ठीक नहीं करना तो बेसिकली आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ। खैर, एशिया कप का स्क्वाड आपके सामने है, मोहम्मद हारिस कैप्टन, उमैर बिन यूसुफ, इनको थोड़ा सा अकोमोडेट करना था क्योंकि इनका नाम पाकिस्तान टीम में नहीं आया था, वाइस कैप्टन है अब उमैर यूसुफ। खानापूरी देखे इनकी, वो कासिम अकरम बेचारा अंडर 19 वाला इन्होंने वाइस कप्तान भी नहीं बनाया, वो बेचारा वो अनलकी बंदा, वो क्या मैं उसको कहूं, गंदा प्लेयर हो गया अब वो। अब इनको उमैर बिन यूसुफ याद आ गया कि एनू वाइस कप्तान बना देने हैं, क्योंकि इसका पाकिस्तान टीम में हम नाम नहीं ला सके। अमाद भट्ट साहब वापस आ गए हैं फ्रॉम नोवेयर, अरशद इकबाल हैं, हसीबुल्ला हैं, कामरान गुलाम हैं, मेहरान मुमताज बेहतरीन च्वाइस है, मुबस्सिर खान है, मोहम्मद वसीम जूनियर पता नहीं स्क्वाड में क्या कर रहे हैं अमर्जिंग के, जबकि वो पाकिस्तान टीम के फुल मेंबर हैं। कासिम अकरम यहां पे मौजूद है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम वाइस कप्तान होता। साहिब दादा फरहान, साइम अयूब, शान आवाज दहानी, शुक्र है उनका भी ट्वीट थोड़ा कम आया, सुफियान मुकीम है और तैयब ताहिर हैं। रिजर्व में वो प्लेयर हैं जो साथ ट्रेवल नहीं करेंगे, अब्दुल वाहिद बंगल जई हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, जिनका बहुत लोग बात कर रहे हैं कि पीएसएल में इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, इनको होना चाहिए था पीछे जिम्बाब्वे के टूर में, इस टूर पे आई एम नॉट श्योर होना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि ये 50 ओवरों का एशिया कप है और आपके मोहम्मद अब्बास ने T20 में परफॉर्म किया हुआ है। मोहम्मद जुनेद हैं और हमारे अनलकी अंडर 19 के रुहेल नजीर हैं, जो कि अब कम से कम स्क्वाड में भी नहीं नजर आ रहे, कप्तानी तो बड़ी दूर की बात है। मैं मानता हूं आप शायद अंडर 19 प्लेयर होने की वजह से रुहेल नजीर के बहुत बड़े फैन नहीं होंगे, आपने उसको इतना पीएसएल में नहीं देखा, आपने कासिम अकरम को इतना पीएसएल में नहीं देखा। आपने इस वीडियो को शेयर करना है अपनी आवाज उठाने के लिए उस सिस्टम के अगेंस्ट जिसकी पेन एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन आप फील करते हैं। अगेन, वी हैव नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद हारिस, हारिस भाई तुझे गुड लक एशिया कप, अमर्जिंग एशिया कप के लिए, अल्लाह करे तुम पाकिस्तान को अमर्जिंग एशिया कप जितवाओ। हम हारिस के अगेंस्ट नहीं है, हम हारिस की कप्तानी के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बच्चा रुहेल नजीर जो अंडर 19 का कैप्टन आपके पास मौजूद है, आपके पास कासिम अकरम अंडर 19 का कैप्टन मौजूद है, तो कैसे एक ऐसा बंदा कप्तान बन सकता है जिसने कभी कप्तानी नहीं की। इस सिस्टम के अगेंस्ट है हम, इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और कम से कम अपनी आवाज को रेज करें।